सुबह सो रही थी लेकिन ठीक समय पर अलार्म बजा, लेकिन देर हो चुकी थी। फिर वह उठी और नहाने चली गई। यह उसकी दिनचर्या थी। वह अपने गृहनगर में भोजन कारखाने की मालकिन है जो मसालेदार सॉसेज बनाती है। वह अपने रेस्तरां में जाने के लिए तैयार हो रही थी। अपने कारखाने में वे कई सॉसेज बना रही हैं, लेकिन वह शेफ से खाना बनाना सीखना पसंद करती है। फिर वह अपने होटल पहुंची और लिपस्टिक लगाई। उसकी दिलचस्पी मास्टर शेफ कोचिंग सेंटर में शामिल होने की है, इसलिए वह इसे अपने दोस्त को दिखा रही थी। फिर एक अंतिम दिन वह जाने के लिए तैयार थी। फिर वह खाना पकाने सीखने के लिए इटली चली गई। फिर वह इटली में शेफ से मिली और साथ ही उसे बहुत सारे नए दोस्त मिले जो उसके साथ जुड़ रहे थे शेफ सेंटर में। उसके बाद वह अपने कमरे में दाखिल हुई और सभी एक साथ शेफ क्लास में शामिल होने लगे। खाना पकाने के प्रशिक्षण के बाद दोनों बात कर रहे थे। फिर लारा ने अपने दोस्त को अपने अनुभव पर चर्चा करने के लिए बुलाया। उसके एक सहयोगी को स्वर बहुत पसंद है, इसलिए उसने अपनी छाती पर टैटू बनवाया और सबको दिखाया। उसके बाद वे वापस चले गए। फिर वे मिले प्रसिद्ध शेफ और उसका अभिवादन करते हुए, और उसने कमरे में हर लड़की को चूमना शुरू कर दिया और अचानक उसके होठों को चूम लिया। फिर वे गले लगाकर समूह चित्र लेने लगे। फिर बेथ ने कहा कि उसका पति लारा से प्यार करता है। फिर उसने उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। अपने पति के साथ डेटिंग करते हुए उसने उसे अपने पति के साथ निजी नौका में छोड़ दिया। फिर वे दोनों समुद्र में और नौका में भी चुंबन करने लगे। फिर उसने उसे अपने दोस्त के साथ साझा किया। फिर लारा पार्टी के लिए गई और शेफ से मिली और चुंबन करने लगी। फिर उसकी दूसरी पत्नी ने लारा को अपना परिचय दिया और उसने लारा को भी चूमा। वह भी एक समलैंगिक होने के बाद पार्टी में से एक लड़की ने लारा के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया क्योंकि वह अपने प्रेमी के साथ नृत्य कर रही थी। फिर वे दोनों भाग निकले। फिर रात का खाना खत्म किया और पार्टी में नृत्य करना शुरू कर दिया। उसके बाद लारा और उसके सहयोगी नशे में थे। फिर वे एक दूसरे को चूमने लगे और उसे वापस पकड़ लिया। फिर किसी तरह सुअरों ने उसके एक सहयोगी पर हमला कर दिया जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। वे मदद की तलाश करने लगे लेकिन वे सेक्स पार्टी कर रहे थे और वे चौंक गए क्योंकि रसोईया उसमें शामिल थी। उसके बाद सुअर चले गए। फिर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की लेकिन वह बुरी तरह से घायल हो गया। आखिरकार लारा अपने गृहनगर वापस चली गई। फिर वह अब अपनी खुद की रेसिपी बनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन शेफ ने उसे नहीं छोड़ा क्योंकि वह उससे प्यार करता है।